खरगोन जिले में करही थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बरलाय में आपसी रंजिश के चलते एक व्यक्ति की निर्मम हत्या कर दी गई, जिससे गांव में सनसनी फैल गई। हम आपको बता दें कि राहुल पिता सीताराम जाधव को चाकू के वार करके मौत के घाट उतार दिया था। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह पवार ने बताया कि विभिन्न धाराओं के तहत मामला पंजीकृत करके संदिग्ध को हिरासत में लिया है और पूछताछ की जा रही है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। मर्डर का मामला है, क्या है? राहुल नाम के एक लगभग 28-29 साल के युवक को उन्हीं के समाज के लोगों ने आपसी रंजिश को लेके कल सायंकाल करीब 8:30 बजे झगड़ा विवाद के दौरान चाकू मार दी, जिससे उसको घायल अवस्था में हॉस्पिटलाइज किया गया। बड़वा हॉस्पिटल में इलाज के दौरान जो है उसकी दुखद मृत्यु हो गई है। और उक्त घटना पर से थाना करही में जो है अपराध पंजीबद्ध किया गया है हत्या का, जिसमें धारा 334 के तहत मामला दर्ज किया जाकर जो हमारे आरोपी हैं उनको अभी राउंडअप किया गया है। अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू किया गया है और आगे इन्वेस्टिगेशन में जो तथ्य आएंगे, साक्ष्य आएंगे, तदनुसार आगे कार्रवाई। क्या कारण था हत्या? अभी प्रथम दृष्टया तो उनकी कुछ आपसी रंजिश बताई जा रही है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद ही उसको स्पष्ट किया जाएगा। गिरफ्तारी हुई? हाँ, अभी 3 लोगों को राउंडअप किया है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।